हेलो एवरीवन, अगर आप लोन लेने की सोच रहे हो तो बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिनकी तरफ हम ध्यान नहीं देते। तो आज की इस वीडियो में मैं उन सभी बातों को आपको बताऊंगा कि आपको लोन लेते टाइम किन किन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो जिससे आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़े। जब हम किसी भी लोन को अप्लाई करते हैं तो हम करते क्या है, हम नहीं देखते कि हम किस बैंक से लोन ले रहे हैं, हम किस इंटरेस्ट पे लोन ले रहे हैं, हम कौन सा लोन ले रहे हैं, हम होम लोन ले रहे हैं, हम कोई बिजनेस लोन ले रहे हैं या हम कोई पर्सनल लोन ले रहे हैं, हम कौन सा लोन ले रहे हैं, हम उस चीज पे नहीं ध्यान देते। हमारा पूरा फोकस होता है कि हमें लोन मिल जाए, हमें पैसे मिल जाए और हम अपना काम चला लें, तो जिसकी वजह से हमें बाद में बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है। और अगर आप किसी ऑनलाइन एप्लीकेशन या ऐप से लोन ले रहे हैं तो हमें जो लोन है उसकी प्रोसेसिंग फीस देनी पड़ती है। तो कोई भी एप्लीकेशन जो ऑनलाइन लोन दे रही है वो एप्लीकेशन कभी भी आपसे प्रोसेसिंग फीस एडवांस में आपसे जमा नहीं कराती। वो करती क्या है, जब जो आपका लोन अमाउंट है वो अपनी प्रोसेसिंग फीस जो है लोन की वो उसी अमाउंट से काट के आपको लोन देती है। लेकिन अभी के टाइम में चल क्या रहा है कि बहुत सी एप्लीकेशन जो है वो फ्रॉड है, जो बोल रहे हैं कि हम लोन देंगे तो वो क्या करते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं या फिर कॉल करते हैं, तो उसके बाद आपसे वो प्रोसेसिंग फीस के लिए बोलते हैं और आप उनको वो प्रोसेसिंग फीस भी जमा करा देते हैं, तब भी आपका जो लोन है वो नहीं होता है, क्योंकि वो सभी जो एप्लीकेशन है वो फ्रॉड होती है। जो एप्लीकेशन जेन्युइन होती है वो एप्लीकेशन आपसे कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं लेती है, वो जो भी आपकी प्रोसेसिंग फीस होती है वो आपके लोन अमाउंट से ही काट लेती है। तो आपको इस बात का खास करके ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे किसी भी लोन की परसेंटेज निकाल सकते हो, आप कितने इंटरेस्ट पे आप लोन ले रहे हो, आप कैसे उसका इंटरेस्ट निकालोगे, कैसे आप अपनी ईएमआई निकालोगे। लोन लेने से पहले आपको ये सभी बातें क्लियर होनी चाहिए कि आप कितने का लोन ले रहे हो और आपको उस पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा और आपकी जो ईएमआई है वो कितनी होगी। आपको इन सभी बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। लोन लेते टाइम हम इन बातों का ध्यान नहीं रखते तो हमारा लोन हो भी जाता है, हमारे अकाउंट में पेमेंट आ भी जाती है और हम उसे यूज भी कर लेते हैं, लेकिन जब बात आती है ईएमआई भरने की तो उस टाइम पे हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। लोन की बहुत सी रिक्वायरमेंट, बहुत सी शर्तें ऐसी होती हैं जो हमें जब हम ईएमआई भरते हैं तो हमें उसके बाद उनका पता चलता है। इसलिए आपको जब लोन आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये सारी बातें आपको क्लियर पहले ही कर लेनी चाहिए। अब जैसे मैं आपके साथ अपना एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। एक बार मेरे को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत थी तो मैंने बहुत से लोगों से पैसे मांगे, उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन मेरे को कहीं से भी पैसे नहीं मिले। तो मैंने अपने मोबाइल से एक ऑनलाइन एप्लीकेशन से लोन अप्लाई किया तो मेरा जो लोन है वो भी गया। तो मैंने लोन लिया था 1,00,000 रुपए। तो उस टाइम जो मेरा फोकस था पूरा, वो मेरा फोकस था कि कैसे मेरे को ये पैसे मिल जाएं और जो मेरा काम है मैं उसको निकाल दूं, उसको कर लूं। तो उसकी वजह से मैंने वो लोन ले लिया और वो काम कर भी दिया, पैसे वो सारे यूज कर दिए। तो उसके बाद जब मैं लोन की ईएमआई भरता था तो मेरे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे कोई ईएमआई नहीं भरी गई, कैंसिल हो गई तो मेरे को फाइन देना पड़ता था या मेरे से अरेंज नहीं हुई, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जिनका फेस मैंने किया है, क्योंकि मेरा जो पूरा फोकस था उस टाइम पे फोकस था मेरा कि मेरे को कैसे ये पैसे मिल जाएं। मैंने उनकी शर्त और कंडीशन को नहीं देखा कि उनकी शर्तें और कंडीशनें क्या है। अब मैं आपको बता देता हूं कि कौन सा बैंक आपको कितने इंटरेस्ट पे लोन दे रहा है। अगर आप SBI से लोन ले रहे हो तो उसमें आपको 11% से 15% तक का आपको इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें HDFC बैंक की, अगर आप HDFC बैंक से लोन ले रहे हो तो वहां पे 10.05% आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं PNB की, उसमें PNB में आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है 10.40% से 0.95% आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब बात कर लेते हैं ICICI बैंक की, तो उसमें आपको 10.50% से आपको जो इंटरेस्ट है आपको वो देना पड़ता है। ऐसे ही अब आपको जो ये इंटरेस्ट है आप इसकी परसेंटेज कैसे निकाल सकते हो। मान लीजिए आपने 1,00,000 का लोन लिया है और आपको उस पर 10% आपको इंटरेस्ट देना है, तो आप कैसे उस इंटरेस्ट को निकालोगे कि आपकी जो टोटल पेमेंट होगी, आपको इंटरेस्ट देना होगा वो कितना होगा। तो उसके लिए मैं आपको एक वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, आप वो वीडियो देखकर आप आसानी से अपने जो लोन की परसेंटेज है आप उसको निकाल सकते हो।
अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कहीं पे भी लोन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बता सकते हैं।